आइए देख मजाएगा। हेलो डार्लिंग, तुम दूध लेने गए थे, कहाँ रह गए? हाँ जानू, मैं अभी आ गया कि बस आ गया मैं। ओके अब बैठो। ये किसका फोन था? किसको जानू, जानू किसको बोल रहे थे? जानू नहीं, मेरा दोस्त भानु, भानु प्रताप उदयपुर वाला। घर में दूध है? हाँ जाओ ले गया बोतल में। हाउ स्वीट, इतने बड़े होकर बोतल में दूध पीते हैं। क्या जाकर डायरेक्ट भैंस के थन को मुंह लगा लूं मैं। तुम ना मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। नहीं डार्लिंग, आई लव यू। मैं तू क्या यार, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैंने तभी सोच लिया था मैं तुम्हीं से शादी करूंगा। मैं इतनी अच्छी लगी थी? मर्सिडीज में कौन नहीं अच्छा लगता। I'm just kidding. I love you, darling. I love you too. अच्छा बताओ, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? मैं भी मर जाऊंगा 50-60 साल बाद। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अपने भी बता दो, सुहागरात पे दूध लेने के पैसे नहीं थे। पाजी पहली सुहागरात होगी जहाँ दूल्हे ने ब्लैक टी पी। तो क्या हुआ? जब बीवी का मुंह चाय पत्ती जैसा तो ब्लैक टी पीने में क्या हर्ज है? ओह माय गॉड, कर गई पिता, कर गई। ठीक है ठीक है, फेल हो गई मैं। रहो तुम अपनी मीना शीना के साथ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ओए अरे बच्चानू बात सुनो ना, क्या तुम छोटी छोटी बात का इतना अच्छा बुरा मान गई? रुको ना, इधर रुको, क्या हो गया? तुम जितना मर्जी रोक लो, मैं जा रही हूँ, बस मैं नहीं आऊंगी वापस। पागल है, इसको पता नहीं जाती हुई बीवी और आते हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। पाजी, पाजी मेरा पति मुझे कभी खुश नहीं कर सकता, और मैं हूँ जो इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ। तुम्हारा बनियान तक मैं धोके अलमारी में रखती हूँ। तू तो रखेगी, हफ्ते में 5 दिन तो तू ही पहनती है। बताइए प्रॉब्लम क्या है? बेटा ये मेरी बहू है। ये हर सास की प्रॉब्लम है, सास की प्रॉब्लम बहू, बहू की प्रॉब्लम सास, दोनों में से किसको मारूं? वो बात नहीं है बेटा, पिछले 6 महीने से इसको ले लेके घूम रही हूँ, उसको बच्चा नहीं हो रहा है बेटा। कैसे होगा, 6 महीने से तो आप लेके घूम रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? एक्चुअली 6 महीनों से वो छुट्टियों के लिए घर पर ही है। लेकिन क्या करे, वो ना शराब बहुत पीते हैं। आप कोई ऐसी दवाई दीजिए ना जिससे उनकी शराब पीने की आदत छूट जाए बस। ओके, कौन सी शराब पीते हैं? मुफ्त की। ये जो मुफ्त की शराब होती ना, ये बड़ी मुश्किल से छूटती है। दारू इंग्लिश पीते देसी? दोनों। ओके अंग्रेजी ज्यादा पीता है बेटा। मैंने नंबर लिख दिया है। हाँ बेटा, आप मुझे इस पे मिस कॉल कर देना, आधी दारू तो मैं उनकी ऐसे छुड़ा दूंगा। आधी कैसे? आधी मैं पी जाऊंगा ना। मैंने कहा ना मेरी खुद की मुफ्त की नहीं छूट रही। जस्ट किडिंग। हर आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब मेरे जो वो हस्बैंड थे, तेरे ससुर, उनको भी भूलने की आदत थी, पता है? और बच्चे आपके, ये बहू आपकी, अकेला बेटा आपका? नहीं नहीं बेटा, तीन बच्चे, शादी के 3 साल में ही हो गए, बैक टू बैक। अच्छा। तो आप तो कहती थी हस्बैंड को भूलने की आती है, चीज तो भूले नहीं। वो भूलते थे, मुझे तो अर्पल याद रहता था ना बेटा। बात थोड़ी थी सरदार जी। अच्छा, मैं बहुत हॉट थी, चंपा टैटू बनवाया है देखो। ओह माय गॉड, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।